राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर राम मंदिर का राग अलापा। बुधवार को कोलकाता में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भव्य मंदिर बनाना है तो बलिदान देने की तैयारी भी रखनी होगी। एक तरफ अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रामलला का तिरपाल बदला जा रहा है तो दूसरी तरफ राम मंदिर बनाने को लेकर बहस तेज हो गई है और इस बार बहस को जन्म दिया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर मेरे जीते जी ही बन जाएगा। ये तो कोई नहीं कह सकता कि ये कब और कैसे बनेगा, लेकिन उम्मीद है कि हम इसे अपनी आंखों से देख सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए केयरफुल प्लानिंग करनी होगी। मंदिर बनाना है, कब कैसे अवसर आएगा आज कोई नहीं बता सकता, लेकिन कब कैसे कितनी तैयारी रखनी पड़ेगी आपके सामने जीवन है। जो जीवन हंसते हंसते अर्पित हो गए वो भी है और जो जीवन हंसते हंसते चल रहे वो भी है। अर्पित होने की तैयारी रखकर जीवन भर भक्ति जैसे लोगों की सेवा में परोपकार की शील युक्त बनकर चलते रहना तो फिर आपको याद होगा जब बीएसपी के दिवंगत नेता अशोक सिंघल की श्रद्धांजलि सभा में भी उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया था और कहा था कि असली श्रद्धांजलि तभी होगी जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन अचानक से भागवत के राम मंदिर पर दिए एक के बाद एक कई बयान से सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका यह कहना है कि लोग तैयार है, हम समझते हैं कि इसको हुकूमत को भी इस पर अपना स्टैंड वाजे करना चाहिए कि क्या कोई ऐसी प्लानिंग है कि जिसके तहत पहले से ये बात तय हो चुकी है अंदर ही अंदर कि वहां पर मंदिर बगैर कोर्ट के डिसीजन के बनाने का कोई मंसूबा है। अगर ऐसा कोई मंसूबा है तो हम ये समझते हैं कि ये पूरे मुल्क के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय का मुद्दा है। रह रहकर राम मंदिर बनाने को लेकर आवाज उठती रही है, लेकिन ये समझ से परे है कि जब मामला अदालत में है तो फिर क्यों राम मंदिर को लेकर राग अलापा जा रहा है। सवाल ये भी है कि बंगाल की चुनावी जमीन से भागवत के छेड़े गए राम मंदिर निर्माण के राग से क्या भगवान राम तिरपाल से बाहर आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।